आज अकेली ही उस जगह जा रही थी जहां मुझे बिल्कुल भी अकेले नहीं जाना चाहिए था, पर मैं भी तो मजबूर थी। रात का वक्त था, मैं बिल्कुल वैसे ही कपड़ों में थी जैसे कपड़े मुझे पहनकर आने को कहा गया था, और मुझे अभी से ही बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि ऐसे कपड़े एक औरत या तो अपने पति के लिए पहन सकती है या फिर अगर उसने खुद को पहले ऐसे कपड़े पहनने की आदत हो। मैंने भी ऐसे कपड़े पहने थे, लेकिन जाहिर है मैंने ऐसे कपड़े पहनकर कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन आज मैं बाहर जा रही थी, पर मुझे इस बात की तसल्ली थी कि इस वक्त मुझे किसी ने देखना नहीं था सिवाय उस एक आदमी के। मैं काफी परेशान थी और डरी हुई भी थी, मुसलसल आसपास देख रही थी। यहां पर तो कोई भी नहीं था भला, रात को ऐसी जगह पर कौन हो सकता था, वो भी रात के इस वक्त। और मुझे पता भी था कि आगे क्या होने वाला था। मैं किसी की आहट पर चौंक गई, वो बिल्कुल संजीदा था जबकि उसको अचानक वहां देखकर मेरी जान निकल गई थी। उसने कहा, अच्छा हुआ तुम अकेली आई हो। मैंने कहा कि मैं अकेली नहीं आना चाहती थी, शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। उसने कहा, पागल हो गई होगी, मौका बड़ी मुश्किल से मिला है। मैं तो कब से यह चाह रहा था कि तुम अकेली आओ, ऐसे काम अकेले में ही होते हैं, और क्या पूरी बारात लेकर आओगी। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बहुत ज्यादा मासूम हो, मुझे तो पहले दिन से ही सिर्फ तुम ही अच्छी लगती हो। तुम आ गई हो यही बहुत बड़ी बात है, और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अब जल्दी जल्दी मेरी बात गौर से सुनो और नीचे बैठ जाओ। मैं हैरान और परेशान तो थी, मैंने ऐसा ही किया और उसने अचानक ही मेरा नाम आ लिया है। मैं शक्ल और सूरत की खूबसूरत थी, इसलिए कम उम्र में ही मेरी शादी करा दी गई, और मेरी शादी बहुत अच्छी जगह पर हो गई। मेरा पति गुस्से वाला था, लेकिन मेरा ख्याल जरूर रखता था। अगर कभी कभी मुझे दो थप्पड़ लगा देता तो मैं बर्दाश्त कर लेती थी, क्योंकि वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था। मेरी माँ ने मुझे शादी की बात समझाई थी कि देख, सारे मर्द अपनी औरत पर हाथ उठाते हैं, लेकिन अगर वो बदले में तेरी सारी जरूरतों का ख्याल करता है, तुझे काम नहीं करने देता, खुद सब कुछ करता है, तो फिर उसके लिए थप्पड़ खा लेना। मैंने कहा, क्या अगर वो ये सब कुछ नहीं करता, मेरा ख्याल भी नहीं करता, और फिर भी मुझे दो थप्पड़ लगाता है, तब मैं क्या करूं? तो मेरी माँ ने मुझे दो पल देखा, मेरे सिर के ऊपर मेरी शादी वाला सूट सेट कर रही थी, उसका दुपट्टा मुझे इस तरह से करवा रही थी कि मैं घूंघट में ही रहने वाली थी। वो मेरी तरफ देखकर बोली, तब भी चुप करके थप्पड़ खा लेना। मैं हैरान रह गई, तो ये क्या बात हुई? तो मेरी माँ ने कहा, हमारे समाज में शादियां बड़ी मुश्किल से होती हैं, और एक लड़की की शादी अगर टूट जाए तो दोबारा उसकी शादी करवाना पहली दफा करवाने से ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए कहते हैं कि तुझे घर से तेरी अर्थी ही उठकर आनी चाहिए। तो ये बात अपने दिमाग में रखना, कोई भी जज्बाती फैसला करने से पहले सोच लेना, क्योंकि फिर वापसी के रास्ते नहीं होते। मैंने कहा था, लेकिन आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेरी माँ ने कहा, मैं तो तुझसे बड़ा प्यार करती हूँ बेटी, लेकिन ये समाज तुझसे प्यार नहीं करता। इस दुनिया में सिर्फ मेरी माँ ही थी जिसने मेरी शादी करवाई, और उसके एक साल बाद वो इस दुनिया से चली गई। मुझे भगवान ने पहले एक बेटी दिया और उसके बाद एक बेटा। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मेरे पति का खानदान गरीब खानदान नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात अच्छे होने लगे, वो काफी अमीर होने लगे। मेरा पति बड़ा रंगीन मिजाज आदमी था, वो मजाक मजाक में मुझे अक्सर कहा करता था कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, और मैं इससे नाराज हो जाती थी। मैं कहती थी कि दूसरी शादी कैसे कर लेंगे जब मैं आपकी जिंदगी में हूं, तो वह कहता था कि तुम जिंदगी में रहो फिर भी मैं दूसरी शादी कर सकता हूं। मैंने कहा, लेकिन आपको कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। तो उसने कहा, क्योंकि तुम मुझे लेकर जाओगी कानून के पास, अपने पति को कोर्ट कचहरी में घसीटोगी। क्या तुम्हें क्या लगता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो दो दो शादियां करके बैठे हैं, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें कोर्ट में तभी लेकर जाती है जब कोई बड़ा मामला होता है, जब तुम्हें तुम्हारी जरूरत के सब सामान मिल रहे होंगे,
तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है पंगा लेने की? मैं कहती थी कि आप मजाक में भी ऐसी बात ना किया करें। मेरे पीछे भी कोई नहीं था। जिस औरत का मायका नहीं होता वो वैसे ही मजबूर होती है। मैं इसकी शिकायत भी किसी से नहीं लगा सकती थी। उसके माँ बाप भी उसके साथ इस मजाक में साथ देते थे और हंसते रहते थे। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरा एक बेटा और एक बेटी भी बड़े हो रहे थे। सब कुछ ठीक था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा वजन थोड़ा बढ़ने लगा। अभी भी मैं काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन अब पहले जैसी नहीं रही थी। मेरे पति ने कहा कि अपना ख्याल रखा करो, घर में दौलत आ रही है, खाना पीना बढ़ रहा है, तो तुमने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे मोटी औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कहा कि दो बच्चे पैदा किए हैं, मैं पहले जैसी तो नहीं रह सकती हूँ। वह कहने लगा कि वजन बच्चे का पैदा करने से नहीं बढ़ता, ज्यादा खाने से और खाकर बैठ जाने से बढ़ता है। वरना ऐसी भी होती है जिन्होंने दो नहीं 8 बच्चे पैदा किए होते हैं, लेकिन उनका वजन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होता। हमेशा गरीब के घर में ही दुबली पतली होती है, अमीरों को चर्बी चढ़ी होती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी बन जाओ और इसमें तुम्हारा ही फायदा है। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। औरत की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से खूबसूरत लगती है। वह उसी से मोहब्बत करता है। जब तक खूबसूरत लगती है तब तक उसके पीछे रहता है। जब खूबसूरत नहीं लगती तो वह भी हट जाता है। मुझे पता है तुम और तुम ऐसी हो, लेकिन ख्याल नहीं रखती और बहाना करती हो कि हमारे ऊपर तो काम बहुत है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई काम नहीं है। फिर मैंने सोच लिया कि मैंने क्या करना था। मुझे नहीं पता था कि उसने क्या सोचा है, पता नहीं क्या सोचा था। फिर उसने बड़ी अजीब हरकत की। उसने घर में नौकरानी रखी हुई थी, लेकिन अब नौकरानी हटा दी कि घर के काम खुद किया करो ताकि तुम्हारा वजन भी थोड़ा कम हो जाए। नौकरानी ने काम तो छोड़ दिया, लेकिन एक दिन वह मुझे बाजार में मिली और उसने कहा कि पहले तो आपका नमक खाते थे, इसलिए आपके घर में फसाद नहीं डालना चाहते थे, लेकिन आपको एक बात बताना चाहती हूँ जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? अब तो मैं आपके घर के काम भी नहीं करती। बीबी जी, आप बहुत मासूम हैं, आपने ध्यान नहीं दी होगी। मैंने कहा कि ऐसी कौन सी बात है? उसने कहा कि आपके पति के बारे में एक खबर है मेरे पास। मैंने कहा कि बताओ तो। उसने कहा कि आपके पति ने दूसरी शादी कर रखी है और इस बात को 1 साल हो गया है। ये सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं हैरान रह गई। वह नौकरानी झूठ क्यों बोलती? लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। उसने कहा कि मैं आपको सबूत दिखा सकती हूँ। वह दूसरे मोहल्ले में एक औरत रहती है ना, वही आपके पति की दूसरी पत्नी है। उस औरत का जिक्र मैंने भी कहीं सुना था। वह दरअसल मेरे पति के एक दोस्त की रिश्तेदार थी, और जब हमारी शादी हुई थी तो उसने दावत भी की थी। वह औरत मैंने देखी हुई थी। वह तो शक्ल से ही ऐसी लगती थी कि किसी भी मर्द का ईमान खराब करने के लिए काफी थी। उसकी पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन अब वह तलाकशुदा होकर अपने भाई के घर में रहती थी, और उसका भाई ही मेरे पति का दोस्त था। कुछ ऐसी होती हैं जिनकी शक्ल देखकर पता चल जाता है कि यह तो 1 साथ 7-7 मर्दों को भी अपने साथ रख सकते हैं। वह भी ऐसी ही थी। जब उसने दावत की थी तब भी वह मेरे पति की तरफ देख रही थी। तब मेरा पति ज्यादा जवान था और मैं भी, लेकिन मैं उस वक्त से ही मासूम थी। मेरी उम्र कम थी तो मेरी शादी करवा दी। इसलिए कहते हैं कि कम उम्र में शादी नहीं करवानी चाहिए। इंसान को पता ही नहीं होता, और फिर शादी के बाद जो फैमिली पॉलिटिक्स चलती है उसको समझने के लिए भी तो दिमाग होना चाहिए, वरना इंसान हमेशा बेवफा बनता रहता है। वह औरत तो मेरे दिमाग में आ चुकी थी और वह ऐसा कर भी सकती थी, लेकिन क्या मेरा पति ऐसा कर सकता था? वह तो हमेशा मजाक किया करता था। नौकरानी तो कह रही थी कि 1 साल से शादी हो चुकी है। मुझे ये बात पता चली तो मैं तो हैरान ही रह गई। इसके बाद मुझे सबूत भी मिल गया कि मेरा पति वहां जाया करता था, और उस औरत से फिलहाल उसका कोई बच्चा भी नहीं था। मैंने ये बात घर आकर अपने पति से कह दी तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, अब झूठ मत बोलो। अब ढक्कन लगाने से कोई फायदा नहीं है,
डब्बा खुल चुका है। एक तरफ मुझे मजाक मजाक में कहते रहे कि मैं किसी और को ले आऊंगा और दूसरी तरफ सचमुच किसी को ले आए हैं। आपने कहा था कि कोई मुझे कोर्ट तो नहीं लेकर जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको ले जाऊं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आप सिर्फ एक ही पत्नी रख सकते हैं, तो मेरा पति कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा तो मेरे पास सबूत है। जब मैंने उसे दो चार और बातें सुनाई तो फिर वह भी मान गया। उसने कहा कि एक साल हो गया है, शादी कर ली है। उसका कहना था कि वह मर्द है, उसके पास पैसे हैं, वह दो घरों में इंसाफ कर सकता है। एक साल में तुम्हें भी तो कुछ पता नहीं चला कि मैंने शादी कर रखी है, तुम्हारा कोई हक नहीं रखा हुआ, तो फिर तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि मैं एक शादी करूं या फिर मैं 8 शादियां करूं। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला है, तुम्हें उसके साथ ताल्लुक खत्म करना होगा। मैं जिद कर गई और घर में लड़ाई होने लगी। मेरे सास ससुर शायद पहले ही मेरे खिलाफ थे और दूसरी वाली बहू को इस घर में लाना चाहते थे। उन्होंने आग में तेल डालने का काम किया और दिन ब दिन हमारी लड़ाइयां होती रहीं। कहानी सुनाते हुए आप सब लोगों को एक बात समझा दूं, अगर इस तरह की स्थिति हो तो आपको कभी भी मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। अगर पति ने इस तरह का कोई चक्कर चला रखा है, या वह दूसरी शादी कर लेता है, या किसी और औरत से ताल्लुक बना लेता है, तो आप कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाओ, बल्कि वहीं पर बैठो। उसे कहो कि मुझे मेरे हक चाहिए, मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए, और अपने हक के लिए लड़ो। उसके सीने पर मूक डालो। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर इतनी अक्ल नहीं थी। मैं बार बार कहती थी कि घर से चली जाऊंगी, निकल जाऊंगी, कहीं चली जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहां पर। एक दिन इसी तरह हम झगड़ा कर रहे थे और मैं बार बार यही कह रही थी। एक दिन मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे बच्चों को भी अपने पास रख लिया। उनका कहना था कि वह औरत कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन मेरे पास पहले से ही 2 बच्चे हैं। अगर तुम यहां इज्जत से नहीं रह सकती तो इस घर से निकल जाओ। मेरे पास एक पत्नी भी है और 2 बच्चे भी, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। रही बात कि तुम मुझे कोर्ट में लेकर जाओगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे होते हुए किसी और औरत से शादी की है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि रीति रिवाजों के हिसाब से मैंने उससे शादी की है। मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा है और गले में मंगलसूत्र बांधा है, अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। क्या इस तरह से हम दोनों पति पत्नी नहीं बने हैं? हाँ, बेशक बन चुके हैं। और अगर फिर भी तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी बात हो तो ये जरूर याद रखना कि मैं कोर्ट में जाकर तुमसे तलाक लेकर फिर उससे शादी कर सकता हूँ और हम दोनों अपनी शादी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मेरे पास पैसे हैं, मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे बहुत से जानने वाले हैं। हमारी तलाक 1 हफ्ते में हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है, यह कोई ऐसा बंधन है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता? मैंने कहा कि बंधन तो यह 7 जन्मों का है, लेकिन तुमने इसे 7 मिनट में ही शर्मिंदा कर दिया है। फिर भी मैंने उससे कहा कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो। बच्चे सो रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि माँ बाप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं और इससे उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। उसने मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया। मैं हैरान रह गई कि कैसे कुछ ही दिनों में मेरा हंसता खेलता घर बिखर चुका था। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहां जाऊं। फिर मुझे याद आया कि मेरी एक चाची थी जो इसी शहर में रहती थी। मेरे चाचू इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मेरा चाची के साथ भी संपर्क खत्म हो गया था। वो कहते हैं ना कि माँ से मायका होता है, जब माँ नहीं तो मायका नहीं। इसी तरह अगर बहन मर जाए तो बहन के घर से कोई लगाव नहीं रहता, या फिर जैसे मेरे चाचू इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर उनकी पत्नी से भी ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा। मेरी माँ ने कहा था कि जब तुम्हारा चाचू नहीं रहा तो चाची से संपर्क क्यों रखें, लेकिन वो विधवा औरत थी और सुना था कि अकेली रहती थी। वो कम से कम मुझे 1-2 दिन के लिए पनाह तो दे देती, इसके बाद मैं सोच लेती कि मुझे क्या करना है। आखिर मैं सड़कों पर तो नहीं रह सकती थी, मुझे कहीं ना कहीं तो जाना था और मेरे पास इतना पैसा नहीं था
कि मैं किसी होटल में चली जाती। आजकल के हालात में अगर मैं होटल में जाती भी तो क्या मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होता? इस बात की फिक्र रहती थी और मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। तो अभी भी मासूम थी, इसलिए मैं उनके घर चली गई। पहले तो मुझे उनका घर ही नहीं मिला। जिस घर में रहती थी वो तो बहुत ही छोटा सा घर था। वहां भी उनके बारे में पूछा तो मुझे उन्होंने बताया कि वो सामने वाले घर में रहती हैं। जब मैंने सामने देखा तो यह तो काफी शानदार घर था। मैंने दस्तक दी तो चाची ने दरवाजा खोला। मैं तो उन्हें देखकर हैरान हुई और पहचानने में भी मुझे कुछ पल लग गए, लेकिन उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम यहां पर इस समय क्या हुआ, सब ठीक है? मैं रोने लगी। बहुत अरसे बाद किसी अपने की शक्ल देखी थी। उन्होंने तुरंत मुझे गले से लगाया और अंदर बुला लिया। मुझे पानी पिलाया, मुझसे सब कुछ पूछा। मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा, ये मर्द तो होते ही ऐसे हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मेरे साथ जो हुआ था वह कोई छोटी बात तो नहीं थी। बहुत बुरा किया था मेरे पति ने। ऐसे में अगर कोई जरा सा भी अपना नजर आता तो उसके सामने इंसान दिल हार ही लेता। मैंने भी रोना शुरू कर दिया। मेरी चाची ने कहा, मैं अभी जिंदा हूं, तू तो मेरी बड़ी अच्छी बेटी है, तेरे चाचू भी तुझे बहुत पसंद करते थे। तुझे तो पता है हमारे बच्चे नहीं है, हमने हमेशा तुझे ही अपनी बेटी समझा था, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने चाची को गौर से देखा तो हैरान रह गई। ये तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत, मोटी और काली सी हुआ करती थी, लेकिन आजकल इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये वो नहीं बल्कि कोई और औरत है। वो काफी दुबली पतली और स्मार्ट हो गई थी, एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क, अपनी उम्र से कम लग रही थी, चेहरा भी निखर गया था और इतने खूबसूरत घर में रहती थी। उन्होंने मुझे एक कमरा दिखा दिया और कहा कि तुम आराम करो, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। मैंने देखा कि इस कमरे में किसी आदमी की तस्वीर भी लगी हुई थी, जो कि मेरे चाचू तो बिल्कुल भी नहीं थे, उनके बच्चे भी नहीं थे। ये बात भी हमें पता थी कि ये उस खानदान की ऐसी औरत थी जिनको सारा खानदान ही बुरा समझता था। लेकिन मैं उनको थोड़ा बहुत इसीलिए जानती थी क्योंकि मैंने उनसे कपड़े सीना सीखा था। मेरी माँ ने इस बात पर भी गुस्सा किया था कि तुम इस औरत के पास ना जाया करो, लेकिन मेरे लिए तो ये उस्ताद का दर्जा रखती थी क्योंकि उन्होंने मुझे कपड़े सीना सिखाया था, इसीलिए उनके पास चली गई। तो वह मुझे देखकर फौरन पहचान गई और मेरे लिए इतनी ज्यादा परेशान भी हो गई। सुबह हुई तो उन्होंने नाश्ता बनाया हुआ था। फिर मैंने उनको आराम से सारी बात बताई। उन्होंने कहा, क्या करोगी? मैंने कहा कि मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं हार मानकर उस शख्स के पास वापस चली जाऊं या फिर किसी तरह अपने बच्चे उससे लेने की कोशिश करूं। आपको पता है मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। चाची ने कहा, तुमने ये बात कैसे कर दी? क्या मैं तुम्हारे पास नहीं बैठी हूं? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छे वकील को जानती हूं, हम कुछ ना कुछ करेंगे, जो तुम कहोगी वही करेंगे, लेकिन अभी तुम थोड़ा वक्त दो खुद को, सोचो। मैंने कहा कि मेरे बच्चे वो अकेले होंगे। तो चाची ने कहा, क्या वो उसके बच्चे नहीं हैं? अगर वो उसकी दूसरी पत्नी उनके साथ बड़ी अच्छी बनती है तो जरा उसके बच्चे भी संभाले। किसी से मोहब्बत करना इतना आसान नहीं होता। अगर उससे मोहब्बत करे तो उसके माँ बाप से भी मोहब्बत करनी पड़ती है, उसके बच्चों से मोहब्बत करनी पड़ती है, उसके कुत्ते से भी मोहब्बत करनी पड़ती है, हर उस चीज से मोहब्बत करनी पड़ती है जो उसके साथ जुड़ी होती है। दो चार दिन में उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। वैसे मेरे बच्चे दूध पीते बच्चे नहीं थे, खुद से खाने पीने वाले थे, स्कूल भी जाते थे, अपना ख्याल खुद रख सकते थे, और इतना तो उनको पता चल ही गया होगा कि उनके बाप ने माँ को घर से निकाल दिया है, तो वह एक दूसरे का साथ तो देंगे। उनको यह भी समझ थी कि औरत के घर में आई है, यह हमारी सौतेली माँ है, इसलिए वह उससे भी बच के रह सकते थे। मैंने अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया था। तुम्हारे साथ उसने इतना कर दिया तो क्या तुम ऐसे ही वापस जाओगी? अगर तुमने वापस जाना भी है तो आराम से वापस जाना है। औरत की यही तो गलती होती है कि वह अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है।
मेरी चाची की बात बिल्कुल ठीक थी। मुझे जो भी करना था, लेकिन मुझे कम से कम थोड़ा वक्त जरूर देना चाहिए था। मेरे पति को खुद एहसास नहीं था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं कहां जाऊंगी। हो सकता है कि उसे एहसास हो जाए और मुझे तलाश कर रहा हो। अगर मुझे तलाश कर रहा था तो बेशक थोड़ी देर हो जाती, ये तो अच्छी बात थी। चाची के घर में किसी चीज की भी कमी नहीं थी, दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। जबकि इससे पहले वो जिस घर में रहती थी उसमें सिर्फ एक ही कमरा था और बाथरूम कमरे के अंदर ही बना हुआ था। मैं तो हैरान थी कि चाची के हालात कैसे पलट गए, लेकिन सवाल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके घर में इस दुनिया की हर चीज मौजूद थी। शाम को उन्होंने कहा कि पार्क चलते हैं, यहाँ के करीब एक पार्क है जहां पर मैं रोज जाया करती हूँ। वॉक करने से तो वजन कम होता है। मैंने कहा कि मेरा पति मुझे वजन के भी ताने देता था। इस बात पर उनको और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, बस मेरे साथ चलो। हम पार्क गए तो थोड़ी देर के बाद हमें एक आदमी मिला जो मेरी चाची के पास आकर बैठ गया। हम लोग समझे कि बैठने को आया है, पर मैं हैरान तब हुई जब उसके हाथ में कोई चीज थी। उसके हाथ में एक तसल्ला था और पानी की बोतल थी। वो तो इस तरह हमारे पास आकर बैठ गया जैसे किसी बड़ी जगह पर जाओ तो गाड़ी का शीशा साफ करने वाले खुद ही आकर शीशा साफ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस शख्स ने मेरी चाची के पांव धोना शुरू कर दिए। मैं हैरान रह गई। मेरी चाची ऐसे ही बैठी थी जैसे कि ये रोज ही होता है। वो बोल भी नहीं रहा था, थोड़ा अजीब सा आदमी लग रहा था। मैंने चाची को इशारा किया कि ये क्या हो रहा है, तो चाची ने मुझे इशारा किया कि बाद में बताऊंगी। उसने मेरी चाची के पांव बड़े ही प्यार से अच्छी तरह धो दिए। उसके बाद उनको चूमना शुरू कर दिया और फिर तीन लौंग मेरी चाची की कमीज के साथ चार लौंग बांध दिए। वो जैसे आया था वैसे ही उठ के चला गया। मैंने कहा, यहां पर क्या हुआ था? ये वाकई हुआ था या मैंने कोई ख्वाब देखा? चाची ने कहा, हां यहां एक आदमी आया था और ये रोज यही करता है। मैंने कहा, क्यों, ये कौन है? मेरी चाची का कहना था, पागल है, एक दिन तो मैं भी डर गई थी कि पता नहीं क्यों कर रहा है। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, जब से उसने ये सब कुछ करना शुरू किया है मेरे तो हालात बदल गए हैं। तुम्हें तो पता है तुम्हारे चाचू इस दुनिया से चले गए थे और लाखों रुपए का कर्ज छोड़ के गए थे। वो कर्ज उतारने के लिए मैंने लोगों के घरों में काम तक किया, किसी खानदान वाले ने मेरी मदद नहीं की। कपड़े सीकर मैं बोर हो गई। फिर मैं परेशान होकर इस पार्क में आ जाती थी और अकेले बैठ के रोने लगती थी। ये ना जाने कहां से आ जाता था और उसने ये काम शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे एक आदमी मिला इसी पार्क में। मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी। उसने मेरे साथ शादी कर ली और वो बाहर के मुल्क चला गया है। ये उसी का घर है और वो बाहर काफी सारे पैसे भेजता है। साल में 2 महीने के लिए आता है और वो मेरा पति है। उसी की है ये सारी चीजें। मेरी जिंदगी में सुकून है अब। सारे खानदान वाले मुंह पर रश्क करते हैं, लेकिन मैं किसी को भी भाव नहीं देती। तुम्हें देखा तो वो दिन याद आ गए जब तुम मेरी स्टूडेंट थी। मैंने तुम्हें इसलिए पनाह नहीं दी कि तुम मेरे पति की भतीजी हो। मैंने तुम्हें इंसानियत और दोस्ती के नाते अपने घर में पनाह दी है। और तुम्हें पता है जब से ये सब कुछ हो रहा है ना, मेरी शक्ल देखो, मैं तो बिल्कुल ही बदल गई हूं। या फिर शायद टेंशन इंसान को बूढ़ा कर देती है, और जब इंसान खुशियों में रहता है तो वो जवान हो जाता है। क्या सोच रही हो, इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा है? मैं हैरान थी, लेकिन वाकई इनके साथ जो कुछ हुआ था वो अचानक हुआ था। मुझे पता था कि उनको खानदान में से कोई भी पसंद नहीं करता था और दूसरी शादी तो इनकी होनी नहीं थी। पता नहीं एक शादी कैसे हो गई थी। और अगर ये सारा कुछ इत्तेफाक भी होता तो मेरी चाची अचानक से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई थी? उन्होंने कहा कि तुम भी यही सोच रही हो कि ये सब कुछ झूठ है। मैंने कहा कि नहीं, झूठ तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं हैरान हूं। मेरी चाची ने कहा कि बस ये कहां से आता है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं पता। ना मैं कुछ बोलती हूं ना इससे सवाल करती हूं। मैंने कहा कि इसको पैसे वगैरह देती हैं? तो मेरी चाची ने कहा कि नहीं,
मैं इसको कुछ भी नहीं देती हूँ, यहाँ पर आकर बैठ जाती हूँ। हाँ, यह सच है कि मैं रोज यहाँ आती हूँ, कभी भी नहाती नहीं हूँ, और यह भी पहले से ही यहाँ मौजूद होता है। मुझे अभी तक खुद भी समझ नहीं आया कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। अचानक से मेरी हालत बदल गई, वरना तुम खुद सोचोगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे और मेरे नाम वाले लोग मुझे अच्छा नहीं मानते थे। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही हालात थे जैसे तुम्हारे हैं। तुम्हारे पति जीवित हैं, लेकिन न के बराबर हैं। उन्होंने मुझे खुद ही इस मुसीबत में डाला है। तुम्हारे खानदान वालों ने मुझे बहुत नीचा दिखाया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं अछूत हूं। यह आदमी मेरे पैर धोता है, उन्हें चुमता है, और इससे मेरा ही फायदा हो रहा है। मैंने पूछा कि क्या तुमने यह बात किसी को बताई है, तो मेरी चाची ने कहा कि नहीं। तुम क्या सोचती हो, लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? लोग तो अजीब और गरीब बातें बनाते हैं। अगर मैं किसी को बताती तो लोग यही कहते कि लगता है इसका इस आदमी के साथ चक्कर है। लेकिन तुमने तो इस आदमी को देखा है, वह तो उम्र में मेरे पिता से भी बड़ा है। मेरी चाची ने कहा कि तुम भी यह बात किसी को मत बताना और जो चल रहा है उसी तरह चलने दो। अब मैं अपनी चाची के साथ रोज रात को इसी पार्क में जाती थी और यहाँ यही सब कुछ होता था। मुझे लगा कि मेरे पति मुझे तलाश कर रहे होंगे, लेकिन मुझे कहीं से खबर मिली कि मेरे पति को कोई परवाह ही नहीं है। वह अपनी दूसरी पत्नी को घर ले आया है, उसे मेरे कमरे में रखा है, वह मेरा सामान इस्तेमाल कर रही है और उसी घर में रह रही है। कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, रोज रात को रोती रहती थी। चाची मुझे कहती थी कि समय पर ही सब कुछ करेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वह तो मुझे सिर्फ तसल्ली दे सकती थी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। अगर मैं इस बार सिर झुकाकर चली जाती तो मुझे सारी जिंदगी सिर झुकाकर रहना पड़ता और अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पाती। इस औरत के बारे में मेरी चाची भी जानती थी। उनका कहना था कि वह पहले दो मर्दों के साथ रह चुकी है। एक बात थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी चाची मेरे मामले में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही थी। शायद अब वह ऐसी ही हो गई थी। वैसे भी यह मेरा मामला था, मुझे ही कुछ करना चाहिए था। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह आया। इसीलिए एक दिन चाची व्यस्त थी, वह जिस समय पार्क में जाती थी उससे पहले ही मैं पार्क में चली गई। इस बुजुर्ग को दूर से देखा, मैंने इसे पास आने का इशारा किया और इससे बात की। अभी मैंने आधी बात ही की थी कि उसने मुझे चुप करवा दिया और कहा कि तुम फिक्र मत करो। लेकिन उसने मुझे एक काम बताया था। शाम को जब चाची ने जाना था तो मुझे फिर से उनके साथ ही जाना था, लेकिन इस आदमी ने यह नहीं बताया कि मैं पहले आ चुकी थी। उसने मेरा राज रखा और मुझे भी एक काम करना था। अगले दिन मैंने अपनी चाची और उसके पति के खाने में नींद की दवाई मिला दी और वे लोग शाम की चाय पीने के बाद ही सो गए। मैंने अपनी चाची के कपड़ों में से एक खूबसूरत जोड़ा निकाला और उसे पहनकर पार्क में चली गई, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मुझे ऐसा ही करना है। जब मैं वहां गई तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये कपड़े इतने अच्छे नहीं थे, ऐसे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने थे, लेकिन मैं यह सोचकर संतुष्ट थी कि यहां पर तो कोई भी नहीं है। इस बाबा ने मुझे कहा था कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर पार्क में आ जाओ, मैं तुम्हारे कपड़ों के दामन में भी 3 लांघ बांध दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैं तुम्हारी चाची के हालात बदल सकता हूं तो तुम्हारे क्यों नहीं, तुम्हारे हालात जल्दी बदल जाएंगे। मैंने उसे बताया था कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बुरा चल रहा है, मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी। जब इंसान मजबूर होता है, बेबस होता है, तो उसके पास मदद करने वाला कोई नहीं होता, तभी वह इस तरह की हरकतें करता है। मैं भी मजबूर थी, मेरी मदद कौन करता? अगर मैं पुलिस या कोर्ट में भी जाती, तुम जानती हो वहां इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ मिलने में कितना समय लग जाता, और मुझे सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक करना था। उसने मुझे एक नजर देखा और कहा कि बेंच के ऊपर बैठ जाओ, लेकिन जब मैंने बेंच के दूसरे किनारे पर देखा तो मेरी आत्मा उड़ गई। वहां एक आदमी बैठा था जिसे मैं नहीं जानती थी, और मैंने उसे देखा। मैं उठकर जाने लगी
तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर वहां जो हुआ वह मैं किसी को बताने के काबिल भी नहीं थी। फिर मुझे पता चला कि मेरी चाची वास्तव में वहां गलत काम किया करती थी। वह आदमी मेरी चाची को नए नए लोगों से मिलवाता था और इसी तरह उन्होंने सब कुछ कमाया था। जो आदमी उनके घर में आया हुआ था, जिसे वह अपना पति कह रही थी, वह भी उनका पति नहीं था। मैंने अपनी इज्जत खराब करवा दी और मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला और अपनी चाची को बताए बिना अपने पति के घर चली गई। मैंने उससे माफी मांगी और बताया कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर थी, बच्चों की बहुत याद आ रही थी। उसने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि तुम मेरी पत्नी हो, इसी घर में रहो, तुमने ही जिद की थी। अब मैं उसके घर में रहती थी और चुपचाप रहती थी। मेरी सौतन ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे ताने दिए, मेरे सामने मेरे पति के साथ अजीबोगरीब हरकतें की। लेकिन एक दिन मेरे पति को पता चला कि उसने मेरे पति के होते हुए भी किसी के साथ चक्कर चला रखा है, तो मेरे पति ने गुस्से में आकर उसे तलाक दे दिया और मुझसे माफी मांगी और कहा कि वह दोबारा कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और किसी लड़की की तरफ कभी नहीं देखेगा। अपने बच्चों के साथ दोबारा रहकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वह बहुत बुरा हुआ। मैं अपनी चाची की बातों में आ गई। मुझे कानदान की बातों को मद्देनजर रखना चाहिए था। जो एक बार बुरा हो वह हमेशा बुरा ही रहता है। लेकिन अब मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती, बस अपनी जिंदगी गुजार रही हूं। जो कुछ हुआ उसे एक राज बनाकर जी रही हूं, किसी को पता भी नहीं सकती। लेकिन अपनी कहानी इसलिए सुना रही हूं कि मेरी तरह कोई और बेवकूफी में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद न कर दे, वरना जो कुछ मेरी चाची बताती थी ऐसा होना भला कहां संभव है आजकल के जमाने में। हलाल की कमाई से दो वक्त की रोटी पूरी होती है, इस तरह की हरकतें तो हराम के काम से ही हो सकती हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।